आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक पवासा के गांव नूरिया सराय पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 4600 वोट और 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती नसीमा बेगम के हाथों में है। ग्राम प्रधान नसीमा बेगम और सचिव जसवंत सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। वहीं लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों का काफी सहयोग ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। इनके कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान बिना भेदभाव के अच्छा काम करा रहे हैं। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जिला संभल के ब्लॉक पवासा के नूरिया सराय ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान प्रतिनिधि से लेकर आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस लॉकडाउन और बीमारी के दौरान में किस तरह से इन्होंने गरीबों की मदद की है, इसके बारे में भी इनसे बात करते हैं, आइए चलते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4.5 साल लगभग जो है कार्यकाल को पूरे कर चुके हैं, तो इस टाइम पीरियड में क्या क्या विकास कार्य गाँव में आपने करवाए हैं? करते विकास कार्य तो गिनाने के लिए तो बहुत विकास कार्य हमने बहुत किया है और आपको देगा भी होगा, बहुत विकास कार्य करा दी और इस महामारी में जैसे चल रही है गाँव में विकास कार्य, मतलब जैसे कच्ची सड़कें गांव में सड़कें अभी बाकी हैं या सब लगभग पूरा होगा? 10% अभी बाकी है गाँव के अंदर और हमने 90% तक सीसी रोड सी टाइप करा दी। आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले हैं 24 किलोमीटर आवास मिले थे पुराने करीब 3 साल और एक प्रधानमंत्री आवास है आगे सूचित भी है केंद्र सरकार की जैसी योजनाएं जो चलती हैं उज्ज्वला कनेक्शन बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिला, मतलब केंद्र सरकार की सभी जो योजनाएं लागू होती हैं उनका लाभ आपके गांव में सभी को मिल पाता है या रह जाते हैं कुछ लोग? बिल्कुल मिल पाता, थोड़ा कोई डॉक्यूमेंट करनी रहती तो वो लोग छोड़ जाते, बाकी जो सभी को लाभ मिलता है। सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई हैं? हाँ लगवाई थी, अभी तो लगवाई रात में मगर अब से 2.5 साल के लिए लगेगी सोलर लाइट मिलेगी थी सोलर ऊर्जा और वैसे भी गाँव में बहुत काम रोहिया से भी बहुत बढ़ा है। तो ये कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या कार्य स्कूल में लगवाए? स्कूल में कार्य शौचालय बनवाया, शौचालय सगर बनवाया, लगाई कटाई हुई उसकी और सी सी टाई लाइन में उसके सी सी टाई लगवाई है। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा और है यहाँ पर जैसे बाराघर पंचायत खेल का मैदान, खेल का मैदान शमशान घाट कब्रिस्तान बने हुए हैं, शमशान घाट कब्रिस्तान अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर या कोई एएनएम या मतलब कोई नर्स कोई भी चिकित्सक मौजूद होता है? अभी तक नहीं हुआ, केवल वो बिल्डिंग किसी तरह की कोई दवाई देनी होती है? जर्जर है उसमें कोई बैठने का साथी? जर्जर होने से पहले वहाँ पर डॉक्टर मौजूद होते थे? सरकारी स्कूल में आते थे, टीकाकरण वहीं से होता था बच्चों का, टीकाकरण के लिए टीकाकरण और यूनिवर्सिटी दवाई उवाई देनी हो बच्चे की नाप तोल करनी हो तो सरकारी स्कूल से या हमारे इधर। अब जैसे कि आप एक मतलब युवा हैं, यंग जनरेशन में से हैं और एजुकेटेड भी हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से अपने गाँव को प्रमुख मतलब पूरी तरह से विकसित करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए किस तरह की मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? ऐसी कौन सी सुविधाएं या कौन सी योजनाएं ऐसी होनी चाहिए या सरकार की मदद ऐसी आपको मिलनी चाहिए जिससे आपका गांव और ज़्यादा डेवलप हो? सबसे पहले तो सरकार से हमें मदद मिलनी चाहिए जिससे पानी को लेकर ताकि हमारे गाँव में पानी की टंकी लगे, उससे जो भी अगर जो होता है हमें उस टंकी से जो पानी शुरू मिलेगा और सभी को उसके गाँव में पानी शुरू मिलेगा। अब फिल्टर को कोई ड्रा कर सकता है, अपने कोई गरीब भी है कोई अमीर भी है सभी तरीके कोई फिल्टर नहीं लगवा सकता। अब उससे अगर पानी की टंकी लग जाए तो घर घर पानी हो जाएगा, शुद्ध पानी हो जाएगा, शुद्ध रहेगा, उससे कोई बीमारी कम होगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या अभी भी ऐसे लोग बाकी हैं जिनके आवास? हाँ बहुत करीब मेरा मानना है 70 आवास ऐसे हैं जिनके कड़ी हुए हैं उनको मकान बनानी चाहिए। जैसे ये 70 दिन का लगभग लॉकडाउन रहा है और काफ़ी गरीब इस समय में परेशान हैं, अब भी परेशान हैं, हुए भी हैं, तो क्या आपने अपने स्तर पर निजी स्तर पर या अपनी किसी भी कारण किसी भी तरह से यहाँ लोगों की किस तरह से मदद की है? मदद ये करी राशन पानी उनको बांटा उनके घर तक पहुँचाया शांति से,
लॉकडाउन का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमने उनको राशन मदद की है। घर घर जाते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? जैसे कि आपकी बीमारी फैली उसके लिए साफ सफाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। हमने जो आपकी कैसी है बुरी डली हुई थी हमारे सड़कों पर ऐसी जगह हमने उनको भी बोली एडवा दिया सबकी जाँच हुई। मुंबई से ही बहुत लोग आए थे, दिल्ली से ही बहुत लोग आए थे, उनकी सबकी जाँच हुई, निगेटिव पाई हुई, पूरी परेशानी गाँव के अंदर को लेकर। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन चार साढ़े चार सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे कि सीसी टाइल्स का रेट, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ कई लोगों को मिले हैं। ओडीएफ की ग्राम पंचायत हो चुकी है, लेकिन लगभग 70 गरीब परिवार अभी भी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। कुछ रास्ते अभी भी यहाँ कच्चे बाकी हैं जो समय रहते उम्मीद है कि पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में काफ़ी कार्य किया गया है और इस बीमारी के दौरान में लोगों की, गरीब लोगों की भी इनकी तरफ से काफ़ी मदद मिली है इनकी तरफ से। इसके अलावा यहाँ यदि समस्याओं की तरफ नज़र करें तो जो प्रमुख समस्या यहाँ इनके द्वारा बताई गई है, चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यदि मदद मिले तो यहाँ पर एक ओवरहैंड टैंक का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि शुद्ध पानी यहाँ की जनता को पीने को मुहैया हो सके। बारात घर और पंचायत घर को लेकर भी यहाँ मांग रखी गई है जो कि निर्मित नहीं है। अशरफ अली के साथ बना रहे हैं जुड़े रहें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। कहाँ के निवासी हो? ग्राम नूरी सराय ब्लॉक वहाँ। यहाँ पे 4.5 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या करना चाहोगे? ग्राम प्रधान जी ने अच्छा विकास कराया है, भाईचारा बनाए रखते हैं नूरी सराय में, हर तरफ का विकास कराते हैं, किसी जाति धर्म को लेकर कोई यहाँ बवाल नहीं होता, सब अच्छे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं।